पीएम ई ड्राइव स्कीम जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अनाउंस की गई है, ये गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है जिससे इंडिया में ई अडॉप्शन, ई मोबिलिटी अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसमें ईवी मैन्युफैक्चरर्स को, ईवी व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स को, ईवी चार्जर्स मैन्युफैक्चरर्स को और ईवी के जितने भी कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा इससे जो इंडिया की सबसे मेजर आज के डेट में कंसर्न है वो है पॉल्यूशन। अभी हमने बहुत छोटा सा ट्रायल दिल्ली में किया था जिसमें हमारे यहाँ दिल्ली में ऑड इवन का एक बहुत छोटा सा ट्रायल लिया था और हमने कंक्लूजन में ये निकाला कि व्हीकल्स की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। उस दौरान बहुत कंट्रोल भी हुआ था पॉल्यूशन। तो ईवी व्हीकल्स अडॉप्ट करने में ये पॉल्यूशन कंट्रोल भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा। आज जितने भी लोग हैं ईवी गाड़ी लेने से पहले एक बार उनके दिमाग में ये कंसर्न ज़रूर आता है कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें उसका चार्जर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो गवर्नमेंट ने ये स्कीम अनाउंस की है इसमें बहुत ह्यूज नंबर ईवी चार्जर्स के लिए बोले गए हैं। तो इससे ये फ़ायदा भी होगा कि लोग ईवी को जल्दी अडॉप्ट करेंगे। बहुत सारे और इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह भी गवर्नमेंट ने एज अ बायर अनाउंस किया है। तो मुझे इस लगता है कि इस स्कीम से इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ईवी अडॉप्शन में बहुत ज़्यादा फायदा होगा और हम यही चाहेंगे कि हम इंडिया को बेस्ट प्रोडक्ट विद बेस्ट कॉस्ट अपनी तरफ से एज अ मैन्युफैक्चर, एज अ ईवी चार्जर्स मैन्युफैक्चर, हम अच्छा कमिटमेंट यही देते हैं कि प्रोडक्ट देंगे हम आपको।